ड्रग्स केस में जकुलप्रीत सिंह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ शुक्रवार को खत्म हो चुकी है। सुबह 10:30 बजे एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंचे जकुलप्रीत से ब्यूरो की एसआईटी ने करीब 4 घंटे की पूछताछ की है। जकुलप्रीत का नाम रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ में सामने आया था। रिया बाईलखला जेल में है। वही शुक्रवार को जकुलप्रीत ने पूछताछ में ड्रग चैट का सारा ठीकरा ही रिया के सर पर फोड़ दिया है। रिया और रकुल दोनों के बीच में ब्लेम गेम भी चलना स्टार्ट हो गया है। ये दिलचस्प है कि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह एनसीबी को पूछताछ में रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान का नाम दिया था, उसी की तरह रकुलप्रीत सिंह ने भी पूछताछ में रिया चक्रवर्ती को ही कसूरवार ठहराया है, जबकि रिया और रकुल दोनों ही पुरानी और अच्छी दोस्त हैं। रकुलप्रीत ने रिया के साथ ड्रग चैट की बात तो कबूल की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि चैट में जिस ड्रग्स के बारे में बात हो रही है वे रिया के थे और उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं एनसीबी के सामने रकुल ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है, ना ही कभी ड्रग्स खरीदा है और ना ही वे किसी ड्रग पेंडर को ही जानती है। वहीं एनसीबी ने इस पर रकुल को उनके और रिया के बीच चैट दिखाए हैं। चैट में रकुल कहती है, मेरे पास जो तुम्हारा सामान पड़ा है उसे कब लेकर जा रही हो। रकुल ने बताया कि रिया संग 2018 में हुई इस चैट में ड्रग्स को लेकर बात हो रही है। रिया चैट में अपना सामान यानी वीड मंगवा रही थी। रिया का यह सामान रकुलप्रीत के घर पर था। रकुलप्रीत का कहना है कि उनके पास सिर्फ रिया का वह सामान था। हालांकि एनसीबी को रकुल की बातों पर पूरा भरोसा नहीं है। ऐसा इसलिए कि रिया ने साफ साफ कहा था कि रकुलप्रीत भी ड्रग्स लेती है। दूसरी बात ये भी है कि यदि रकुलप्रीत ड्रग्स नहीं लेती और उनके इससे कोई लेना देना नहीं है, तब भी उनके घर पर अवैध ड्रग्स कैसे रखे हुए मिले थे। भले ही वह किसी और के थे, लेकिन रकुल ने उसे फैसिलेट किया था, अपने पास रखा और जरूरत पड़ने पर अगले को दिया। ये भी कानून का जुर्म है। रकुलप्रीत सिंह ने इसके साथ ही पूछताछ में क्षितिज प्रसाद का नाम भी लिया है। क्षितिज धर्मा प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जिनसे शुक्रवार को एनसीबी पूछताछ कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि रकुल ने 4 सेलिब्रिटीज का भी नाम लिया है, जिनको क्षितिज प्रसाद कथित तौर पर ड्रग्स सप्लाई करते थे। शुक्रवार को एनसीबी ने क्षितिज के घर पर ड्रग्स भी बरामद किए हैं। इसके अलावा क्षितिज ने एक अन्य असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा का नाम लिया है, जिनसे भी एनसीबी पूछताछ कर रही है। बहरहाल रकुलप्रीत के इस कबूलनामे के बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। रिया 8 सितंबर से जेल में कैद है और 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में है और लगातार जमानत की अर्जी भी दे रही है। ऐसे में अब एनसीबी ये कहकर कोर्ट में उनकी जमानत का विरोध कर सकती है कि मामले में रिया ने जो भी बताया था उसमें और बाकी लोगों के बयान में अंतर है। ऐसे में रिया और पूछताछ की जरूरत है, लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दिए जाए। रिया की जमानत अर्जी और हाई कोर्ट में 29 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। इस मामले में एक और मोड़ शनिवार को आ सकता है, जब एनसीबी सारा अली खान से पूछताछ करेगी। ऐसा इसलिए कि रकुलप्रीत, रिया और सारा दोनों की जिम बड़ी है, पक्की दोस्ती मानी जाती है। रिया ने पूछताछ में सारा अली खान का भी नाम लिया था। ऐसे अब सारा अली खान शनिवार को एनसीबी से क्या कुछ कहती है, ये बहुत ही मायने रखता है, जिसका खुलासा आज ही होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।